उड़ना चालू हो गया और देखो हर तरफ तो बेहतरीन नज़ारा। हाँ, ये गुपचुप की दुकान है यहाँ पर देख। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। और आज मैं आ गया हूँ गिरौदपुरी धाम। आज से मेला स्टार्ट है, यहाँ 3 दिन का मेला होने वाला है। और चलिए फ्रेंड, चलते हैं अभी मेला के अंदर। गाइस, ये देख सकते हो, ये मेन रोड है और ये पहला गेट उधर है। अरे, यहाँ पर भी एक और गेट बना हुआ है और यहाँ यहीं से मेला स्टार्ट हो गया है। और ये देख सकते हो, इधर से मैं आया हूँ, अभी मैं अंदर जा रहा हूँ। और यहाँ 2 बार मेला होता है, एक तो होता है 18 तारीख को, 18 दिसंबर यानी कि जो गुरु घासीदास बाबा जयंती होता है उसमें भी होता है, और 3 दिन का फिर इसमें होता है। अभी धीरे धीरे भीड़ बढ़ने वाला है फ्रेंड, अभी ज़्यादा क्राउड नहीं है और शाम को अच्छा माहौल रहेगा मेला का। और धूप भी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा धूप है, अब गर्मी का दिन भी आ गया। दोस्तों, आज तो पहला दिन है तो आज थोड़ा सूना सूना लग रहा है और धीरे धीरे क्राउड बढ़ते जाएगा और शाम के वक्त भीड़ चालू हो जाएगा यहाँ। और इधर फ्री में पानी मिल रहा है पीने के लिए। धूप बहुत ज़्यादा है भाई साहब, मैं तो नहा लिया हूँ पसीना पसीना से। गाइस, मेला में सभी सामान तो एक जैसा रहता है लेकिन मेला की माहौल सब जगह अलग अलग रहता है। जात खान के अंदर सबसे बड़ी रेल, रेल से बड़ी हमारी सेल, चला ये सेल 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 महासेल। क्या नाम है भाई आप लोग? सूरज टंडन। कहाँ से आए हो? डोंगरिया से। डोंगरिया से फर्स्ट बार आए हो? और आज फर्स्ट बार, फर्स्ट बार आए हो? यहाँ गिरौदपुरी मेला में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो चलिए पूछते हैं भाई जी कहाँ से आए। कहाँ से आए हो? बिलासपुर से। बिलासपुर से? बिलासपुर से। हाँ, अच्छा, देख सकते हो श्रद्धालु लोग कहाँ कहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं, बिलासपुर से आए हैं भाई लोग। देख सकते हो ये मंदिर का गेट है और हम लोग अभी इधर चलते हैं राइट साइड की तरफ। पिछले बार आया था तो मैं आपको उधर लेकर गया नहीं था, इस बार इधर चलते हैं, इधर सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। देख सकते हो इधर भी मेला लगा हुआ है। और भी हेलो, कहाँ से हो भाई? मैं बाग बहरा। बाग बहरा से? हाँ। गाइस, ये है जैत, ये है गुरु घासीदास बाबा जी के मंदिर। और अरे भाई लोग साथ में चलते हैं। कहाँ से आओ भाई आप लोग? जलगढ़। जलगढ़? जलगढ़ कहाँ पर होता है? सरिया के पास। कौन सा जिला? बरम किला। रायगढ़? रायगढ़ जिला। हाँ, बरम किला में। आप कहाँ से हैं? मैं जहांगीर चापा से। फर्स्ट बार आ रहे हो कि और आगे? पहली बार है मेरा। फर्स्ट बार है? हाँ। इनका पहले बहुत बार हो चुका है। टैटू वाले हैं? हाँ भैया। ये देख सकते हो से लेके पूरा टैटू खिलौना का दुकान लगा है भाई, पूरा फैंसी सामान वहाँ तक लगा है आप लोग का दुकान? अच्छा अच्छा। कुंड है, चरण कुंड भी और मुक्ति कुंड भी आगे में। अच्छा, इस इधर चरण कुंड है और मैं आपको चरण कुंड की तरफ लेकर जा रहा हूँ। और सीढ़ी बना हुआ है। इधर मैं फर्स्ट बार आया हूँ, इससे आगे मैं यहाँ तक आया हूँ, इससे आगे नहीं गया हूँ। और ये देख सकते हो गन्ना है दुकान। तो गाइस, ये देख सकते हो यहाँ पर गन्ना की दुकान है, रविंद्र गन्ना जूस सेंटर। और यहाँ पर से देख सकते हो बेहतरीन नज़ारा। और ये गुपचुप की दुकान है यहाँ पर देख सकते हो।
ये देख सकते हो। चलो फिर और आगे बढ़ते हैं इधर। इससे और आगे मैं गया तो नहीं था और यहाँ कई बार आ चुका हूँ। और चलिए फिर और जाकर देखते हैं इधर क्या क्या है। और इधर का भी मेला बढ़िया लगा मेरे को। इधर चश्मा की दुकान है ये देख सकते हो। अरे भाई लोग है कहाँ से भाई? बिलासपुर से है भाई लोग। और भाई ये देख सकते हो चंद्राम गन्ना जूस सेंटर, यहाँ पर भी 10 रुपये में गन्ना मिल रहा है देख सकते हो। और इधर है चरण कुंड, अमृत कुंड और आगे है इनसे। गाइस इधर चरण कुंड बना हुआ है और यहाँ पर जूता को निकालना पड़ता है और मैं भी जूता निकाल। और आगे जाओगे तो आपको अमृत कुंड देखने को मिलेगा। और चलिए देखते हैं फिर चरण कुंड का पानी सभी लोग पी रहे हैं इधर देख सकते हो। और कई लोग अपने बाटल में भर भर कर ले जा रहे हैं। तो भैया ये बाबा जी का चरण कुंड है ना? हाँ हाँ बाबा जी का चरण कुंड है ये। तो आगे में अमृत कुंड है और आगे में अमृत कुंड है। हाँ हाँ वहाँ भी जल वितरण? हाँ हाँ वहाँ भी जल वितरण किया जाता है। वहाँ भी जल वितरण किया जाता है। होकर आगे अब मैं अमृत कुंड की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। बस कुछ ही दूर में और उसके बाद आपको अमृत कुंड का दर्शन हो जाएगा। और इधर चारों तरफ जंगल ही जंगल है, चारों तरफ पेड़ पौधा आपको देखने को मिलेगा। और जंगल के बीच में गुरु घासीदास बाबा जी का धाम है। कितना दूर भी है अमृत कुंड पास में? और गुरु घासीदास बाबा जी का फोटो यहाँ पर देख सकते हो। और भाई लोग आप लोग आ गए अमृत? हाँ अमृत कुंड से दर्शन करके आगे भाई लोग। कुछ ही देर बाद मंत्री आने वाले हैं, माननीय श्री गुरु रुद्र कुमार मंत्री यहां पर आने वाले हैं। और ये हेलीपैड बना हुआ है गिरौदपुरी धाम में और ये देख सकते हो उनके सुरक्षा के लिए सभी पुलिस फोर्स की सुरक्षा का इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हो मंत्री जी के स्वागत के लिए यहां पर पहले से मौजूद है सभी। और माननीय श्री गुरु रुद्र कुमार मंत्री जी हमारे छत्तीसगढ़ शास्त्र हमारे छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिक ग्रामोद्योग मंत्री है। गाइस कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर से मंत्री जी आने वाले हैं। ये देख सकते हो हेलीपैड बना हुआ है, देखने के लिए बैठे हुए हैं।
ये देख सकते हो। और अभी थोड़ी देर बाद, बस कुछ ही देर बाद आने वाली है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर आने का संकेत हो गया है, ये देख सकते हो। और अभी आवाज़ आना स्टार्ट हो गया है हेलीकॉप्टर का। और ये देख सकते हो, इधर से हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, ये देख सकते हो गाइस। और सभी पब्लिक लोग हेलीकॉप्टर को देखने के लिए कितने नज़दीक आ गए हैं। और ये देख सकते हो हेलीकॉप्टर आ चुके हैं। और सभी पब्लिक लोग बाउंड्री के किनारे आ चुके हैं, ये देख सकते हो हेलीकॉप्टर को देखने के लिए। और कोई नहीं था यहाँ पर, और सभी लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं, कितनी उत्साह उत्सुक है। ये देख सकते हो हेलीकॉप्टर, और यहीं पर ही राउंड अभी घुमा रहे हैं। और सभी लोग अपने अपने मोबाइल से कैमरे निकाल कर सभी पिक ले रहे हैं हेलीकॉप्टर की। और हेलीकॉप्टर अभी मेला की तरफ राउंड लगा रहे हैं। और अभी यहाँ गिरौदपुरी में भी राउंड लगा रहे, चारों तरफ राउंड लगा रहे हेलीकॉप्टर मेला की तरफ। देख सकते हो गाइस, भाई हिलावट, अरे बाप रे, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। हेलीकॉप्टर ही दिखाई नहीं दे रहा है, देख सकते हो। भाई हेलीकॉप्टर को पूरा धुरा उड़ा दिया भाई। भाई गिरौदपुरी में आज मंत्री जी का आगमन हो चुका है। माननीय श्री गुरु रुद्र कुमार मंत्री जी आ चुके हैं हेलीकॉप्टर से, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री है। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो रूनी श्री रुद्र कुमार मंत्री जी। और अभी बहुत सारे पब्लिक इकट्ठा हो चुके हैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर देखने के लिए। हेलीकॉप्टर फिर से जाने वाला है, ये देख सकते हो। बाद में फिर से मंत्री जी को लेने के लिए आ सकते हैं शायद। और फिर से उड़ने वाला है हेलीकॉप्टर गाइस, उड़ने की तैयारी हो रहा है। उड़ना चालू हो गया, और देख हर तरफ और ये देख सकते हो फिर से वापसी जा रहे हेलीकॉप्टर, शायद बाद में फिर से आ सकते हैं लेने के लिए मंत्री जी को।
देख सकते हो गाइस पब्लिक कितनी इकट्ठा हो चुके थे हेलीकॉप्टर देखने के लिए। और भैया हाँ सब बढ़िया। हाँ हाँ देख चुके थे। नहीं देख चुके थे पहले और आज। तो कितना मजा हेलीकॉप्टर देख? बहुत मजा आया भैया। हाँ सामान लेकर आए क्या? सामान ले आओ। तो गाइस देख सकते हो सभी पब्लिक हेलीकॉप्टर देखकर जा रहे हैं और कितनी उत्साह थे सभी लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए। यहाँ पर हेलीकॉप्टर देखकर सभी को मज़ा आ गया और हेलीकॉप्टर जब उतरा तो इतना धूल उड़ा हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं दे रहा था। और चलिए फ्रेंड और अंदर मेला की तरफ चलते हैं। अब गाइस यहाँ से देख सकते हो नज़ारा बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, ये देख सकते हो। और अभी यहाँ पर प्रसाद वितरण हो रहा है, प्रसाद के रूप में खीर मिल रहा है यहाँ पर। चलो और इधर चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सभी दर्शक लोग इंजॉय करते हुए और मैं भी गिरौदपुरी मेला में इंजॉय करता हुआ और मेरे माध्यम से आप भी YouTube चैनल के माध्यम से मेरे आप भी इंजॉय करते हुए दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और जल्दी जल्दी जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना और वीडियो को लाइक भी करना जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है इससे। और सभी श्रद्धालु लोग ट्रैक्टर से जा रहे हैं। तो इधर भी एक गली है और इधर भी है और चारों तरफ गली है इधर। और ये वाला जो गली है इधर साथ फिर से आपको धाम जैत खाम ले जाएगा। मैं सभी मेला तरफ घूमकर आ गया और अभी जा रहा हूँ घर गेट की तरफ। इधर आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ देखने को मिलेगा। सभी श्रद्धालु देख सकते हो भर भर के गाड़ी में बैठकर आज आ रहे हैं। और ये देख सकते हो आप सामान लेकर आए हो क्या? सामान लेकर आए हैं। अच्छा ठीक। अभी भी सामान आ रहे देख सकते हो गाइस। देख सकते हो बाकी दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं, वो लोग यहाँ पर ठहरे हुए हैं और यहाँ पर पिकनिक जैसे खुद खाना बनाकर खा पी रहे और यहाँ पर ठहरे हुए ये देख सकते हो। गाड़ी से ट्रैक्टर से सभी लोग आए हुए हैं। मैं मेन रोड की तरफ आ गया हूँ और देख सकते हो ये सभी श्रद्धालु लोग अभी आ रहे हैं। तो ऑटो से भी आ रहे भर भर के सभी श्रद्धालु और इसमें भी जा रहे देख सकते हो। इसमें ये देख सकते हो और ये देख सकते हो फिर से ट्रैक्टर से आ रहे सभी श्रद्धालु लोग, ये देख सकते हो गाइस। देख सकते हो गाइस कितनी धीरे धीरे श्रद्धालु की संख्या बढ़ती जा रही है और मेला का माहौल भी ज़बरदस्त होते जा रहा है। देख सकते हो फिर से ऑटो से बैठकर